उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मेरठ में अवैध गोश्त कारोबार के आरोपी हाजी याकूब कुरैशी और उनके बड़े बेटे इमरान याकूब यूपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। दोनों को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 50-50 हज़ार के इनामी पिता पुत्र बीते 9 महीने से फरार चल रहे थे। दोनों पर कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। याकूब की कोठी पहले ही कुर्क की जा चुकी है। दोनों लंबे समय से फरार थे और पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। अब खुलासा हुआ है कि याकूब और उनका बेटा दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर 6 महीने से शरण लिए हुए थे। हाजी याकूब और उनके परिवार के खिलाफ मार्च 2022 में मेरठ के खरगोंदा थाने में केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि इलाके में याकूब की कथित अवैध गोश्त फैक्ट्री में बाहर से लाए गए गोश्त की पैकेजिंग का कारोबार चलता था। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री का लाइसेंस खत्म होने के बावजूद इसे संचालित किया जा रहा था। देर रात्रि में हमारी एसओजी टीम ने थाना चांदनी महल एरिया दिल्ली से याकूब और इसके लड़के इमरान को गिरफ्तार किया है। ये वहाँ पर एक घर में रह रहे थे और इनको एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांटेड चल रहे थे थाना खरखौदा से, उसी में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था करीबन 1-1.5 माह पहले और इसी में ये दोनों वांटेड थे। इसमें करीबन 7 लोग हैं जिनमें से करीबन 3 लोगों की पहले अरेस्टिंग हो चुकी है। इन दोनों को देर रात्रि में कल हमने दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। आज इनकी जो भी विधिक कार्रवाई है वो करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होनी है वो सब की जाएगी। ये याकूब कुरैशी के ऊपर 25,000 का इनाम था पूर्व में एक दूसरे मुकदमे में, और तो ये उसी में है। इमरान कुरैशी का दूसरे मामले में अरेस्ट स्टे चल रहा था पर गैंगस्टर में ही वांटेड थे। अब तो हमने अरेस्टिंग कर ही ली है क्योंकि हम हमारी टीम लगातार इसमें प्रयास कर रही थी और इनके लोकेशन जानने की जानकारी कर रही थी, तो ये अपना ठिकाना बदल रहे थे बार बार। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, विस्तृत पूछताछ करने के बाद में जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। पुलिस के इस छापे में कई टन मांस बरामद हुआ था और फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में याकूब कुरैशी, संजीदा कुरैशी, इमरान कुरैशी, फिरोज कुरैशी, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इन 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।